पर ऐसी परिस्थिति में भगवान राम केवट को आदेश नहीं देते कि नाव लाओ, केवट से नाव मांगते हैं, मानो श्रमिक के श्रम का सही मूल्यांकन भगवान ने किया कि नाव पर तो तुम्हारा अधिकार है, तुम अगर चाहो तो हमें पार उतार सकते हो, हम नाव मांग रहे हैं। केवट ने सुना तो आंखों में आंसू आ गए, हृदय भाव से भर गया, क्योंकि उस बिचारे ने तो जिंदगी भर आदेश का स्वर सुना था, पर कोई नाव पहली बार मांग रहा था और नाव मांगते देखकर उसके मन में निश्चय हो गया कि ये नर रूप में नारायण है। जो श्रमिक के श्रम का इतना सही मूल्यांकन कर सके वे तो भगवान ही हो सकते हैं। कहा ही तुम्हार मरम मैं जान, मैं जान गया। भगवान कहते नाव इधर लाओ, केवट उधर ले गया। भगवान ने कहा इधर ले आओ, नहीं लाऊंगा, मैं जानता हूं आपके बारे में अच्छी तरह। अब भगवान को तो हंसी लगी, लक्ष्मण जी को बड़ा बुरा लगा, श्री जानकी जी भी चुप। अच्छा बोलो, राम जी की जगह दूसरा कोई होता तो बड़ा दुखी होता कि आज ऐसे दिन भी आ गए, केवट नाव नहीं ला रहा है। दूसरा कोई होता तो ये सोचता कोई बात नहीं, दिन खराब है, समय की बात है, अच्छे दिन आने दो, सबसे पहले तुम्ही को देखेंगे। पर भगवान हंस रहे, भी हंसे करुणायन, गम को सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है। एक कवि ने कहा कि दिल दे तो इस मिजाज का परवर दिगार दे, जो रंज की भी घड़ियां खुशी से गुजार दे। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, केवट नाव के लिए मना कर रहा। एक महात्मा से किसी ने कहा कि हम बहुत परेशान रहते हैं और परेशानी से मुक्त होने का उपाय बताओ। महात्मा बोले शान से परे हो जाओ, परेशान रहोगे ही नहीं, ये परेशान तो शान ही किए हैं, हमें मना कर दिया, हमको 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 और हमारे लिए तो हम, ये हम ही परेशान किए हैं। भगवान मुस्कुरा रहे हैं और केवट क्या कर, हम आपके बारे में अच्छी तरह जानते हैं। ये जानना तो वैसे हुआ, एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थी से कहा कि तुम्हारे पिताजी 5,000 रुपए हमसे उधार लें 3 रुपए प्रति सैकड़ा ब्याज की दर से, तो 6 महीने बाद कितना लौटाएंगे हिसाब लगाकर बताओ। सो विद्यार्थी बोला सर एक नया पैसा नहीं। तो अध्यापक ने कान पकड़ के तमाचा लगाया, बोले क्यों रे तू हिसाब नहीं जानता, गणित नहीं जानता। विद्यार्थी बोला सर मैं तो हिसाब गणित जानता हूं, पर आप मेरे बाप को नहीं जानते, उसने जिसका लिया है दिया है आज तक, जो आपका ही देगा। अब कोई ऐसे कहे कि हम आपके बारे में अच्छी तरह जानते हैं तो यही लगे कि ऐसा क्या हुआ जो ये जानता है। पर राम जी मुस्कुरा रहे हैं से, और श्री लक्ष्मण जी जानकी जी की ओर देखकर मुस्कुराते कि तुम भी मुस्कुराओ, काहे को ऐसे उदास क्यों हो। भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण ऐसा विचित्र भक्त देखा जिसे मैं बुलाऊं और ना आवे। लक्ष्मण जी तो मौके की तलाश में थे, खींच रहे थे। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु आपके जितने भक्त होते सब ऐसे ही होते, जो आपका कहना ना माने वही आपके भक्त। भगवान ने कहा यही विचित्र भक्त है, दूसरा कौन का, दूसरे सुमंत जी। सुमंत जी रथ में बैठे, ये नाव में बैठा है। सुमंत जी को भेजते हो कि अयोध्या जाओ, और केवट को बुलाते हो कि नाव लेकर आओ, तो जिसे भेजते हो वो जाता नहीं और जिसे बुलाते हो वो आता नहीं है, ना ये कहना माने ना वो कहना माने। और लक्ष्मण जी के इस व्यंग पर जानकी माता भी मुस्कुराई, राम जी को भी हंसी आई। पर राम जी ने कहा लक्ष्मण किसी दुकानदार का शगुन सवेरे सवेरे बिगड़ जाए, उधार मांगने वाला आ जाए तो बेचारा क्या सोचता है कि कहां से कहां तुम सवेरे सवेरे आ गए, अब दिन भर उधारी का ही सामना करना पड़ेगा, शगुन बिगड़ गया। तो भगवान श्री राम जी ने कहा कि लक्ष्मण इसी तरह मेरी यात्रा का शगुन बिगड़ गया,
जब मैं चला तो वनवास केवल मेरे लिए हुआ था, 14 वर्ष राम वनवासी, लक्ष्मण तुम्हारा भी वनवास नहीं था, श्री सीता जी का भी वनवास नहीं था, तो मैंने तुम दोनों को मना किया कि नहीं कि हमारे साथ वन मत चलो? दोनों बोले हां किया तो था। राम जी बोले तो फिर आप दोनों ने हमारा कहना माना? दोनों बोले नहीं माना। राम जी बोले हम तभी समझ गए थे कि जब यात्रा के शुरू में ही हाल है, जब अपने घर के ही लोग कहना नहीं मान रहे तो आगे जितने मिलेंगे सब ऐसे ही मिलेंगे। पर भगवान ने कहा कि श्री लक्ष्मण और श्री जानकी जी से कि आप दोनों ने कहना इसलिए नहीं माना क्योंकि मेरे प्रति प्रेम है, प्रेम के कारण कहना नहीं माना। तो मुझे लगता है कि केवट भी प्रेमी ही होगा, वो भी कहना नहीं मान रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा इसमें प्रेम तो दिख नहीं रहा है। भगवान ने कहा केवट के जीवन में प्रेम का दर्शन है, प्रेम का प्रदर्शन नहीं है। जैसे हम लोगों का होता है जो मिले उसी से, अरे आप तो हमें प्राणों से अधिक प्रिय हो, सच कह रहे हैं प्राणों से अधिक प्रिय, और एक से ही नहीं कहेंगे दूसरे से कहेंगे थोड़ी देर बाद, फिर अरे भैया प्राणों से ज्यादा प्रिय हो, दिन में 10-20 से कह देते प्राणों से अधिक प्रिय हो। ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि प्राण ये सुनकर नाराज नहीं होते, नहीं कहीं प्राण नाराज हो जाए कि हमसे ज्यादा प्रिय है तो इन्हीं को रखो अब हम जा रहे हैं, कोई नहीं कहेगा। केवट के जीवन में प्रेम का दर्शन है। लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज इसका प्रेम तो आप ही समझो। अच्छा केवट क्या सोच रहा है? केवट जान गया है कि आप भगवान हैं, पर केवट कहता है कि आपको कोई रोक नहीं सका, जनकपुर वाले जनकपुर में नहीं रोक सके आप अयोध्या आ गए, अयोध्या वाले अयोध्या में नहीं रोक सके आप श्रृंगवेरपुर आ गए, और श्रृंगवेरपुर के राजा श्रृंगवेरपुर में नहीं रोक सके आप गंगा जी किनारे आ गए, और अगर मैं भी आपको नाव में बिठाकर पार कर दूंगा तो फिर मेरी भी क्या हिम्मत जो मैं आपको रोक लूं, तो उपाय यही अच्छा है, ना नाव लाऊंगा ना पार करूंगा, अपने आप रुके रहोगे, कहा तुम्हार मरम में जाना। भगवान से कहता है कि प्रभु महाराज आपके चरण कमलों की रज में ऐसा जादू है, मनुष्य बना देने की शक्ति है, शिला को चरण छुला दिया नारी बन गई। भगवान ने कहा तो शिला तो पत्थर की होती, तुम्हारी नाव कोई पत्थर की है? केवट बोला वाह महाराज शिला तो देर में बनी होगी, ये तो लकड़ी तो पत्थर से कोमल होती है, पाहन ते बन बाहन काठ को कोमल है जल खाई रहा है, ये तो और जल्दी बनेगी, पानी में पड़ी हुई लकड़ी और कोमल होगी। भगवान ने कहा क्या उपाय क्या है, क्या चाहते हो? केवट बोला हम क्या चाहते हैं, आप पार जाना चाहते हो कि नहीं? भगवान बोले हमें तो जाना ही, तो फिर ये कहो आप चाहते हो पार जाना? हां तो जो प्रभु पार अवसिगा चाहो मोही पद पदुम पखारन कहो, अपने चरण कमल धोने के लिए कहो। भगवान ने कहा कि वैसे काम नहीं बनेगा। केवट बोले कैसे बनेगा? ये नाव बनेगी नारी यहां गंगा जी किनारे, और जब नारी बनेगी तो घर में बैठेगी, लेकिन जब ये घर में बैठेगी तो घर में जो पहले से बैठी है वो उसको तो लगेगा कि नहीं कि नाव नारी बन गई, वह तो सोचेगी नाव बेचकर दूसरा विवाह करके लाया हो। और महाराज घरनी घर क्यों समझाई हूं जो, उसको मैं कैसे समझाऊंगा? लक्ष्मण जी ने कहा हद हो गई, भगवान को समझा रहे और पत्नी को नहीं समझा सकते? केवट बोला महाराज अपने अपने अनुभव की बात है, भगवान को समझाना आसान है बहुत कठिन है।
राम जी खूब हंसे, लक्ष्मण जी भी हंस रहे केवट की इन अटपटी बातों पर। भगवान बोले तो और कोई उपाय? एक उपाय है क्या? यही घाट ते थोड़ी दूरी अहे कटिलों जल था दिखाई हो, जो थोड़ी दूरी पर कमर तक जल है, आराम से निकल जाओ। भगवान बोले वही ठीक बता। क्यों टोला? वाह महाराज, अभी सवेरा हुआ है, यात्रियों का आना जाना शुरू हुआ है, हम आपको वो जगह बताने जाएं सब देख लेंगे, हमारी नाव में कौन बैठेगा, रोजी रोटी का सवाल है, ऐसा नहीं तो फिर आप दिन भर रुको, जब सूर्यास्त हो जाएगा सब लोगों का आना जाना बंद होगा, मैं जाके बता दूंगा, फिर रात को निकल जाना चाहे सवेरे निकल जाना। भगवान बोले लक्ष्मण चरण धुलाना ही ठीक है, यहां कहां रुकेंगे। केवट कहता है कि चरण धोने के लिए कहो, पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो, पूरो परिवार मेरो याही लागे राजा जू हो, वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। अगर ये नाव नारी बन गई तो फिर यह भी तो सोचो महाराज, कर पूरे परिवार का पालन इसी नाव से होता है, तो परिवार का पालन करने वाला साधन तो चला जाए और घर का एक सदस्य और बढ़ जाए। महाराज कृपा करो आप तो। अच्छा, अब इसमें एक बड़ा तात्विक संकेत है। केवट कहता है कि नाव नारी न बने, हम लोग भी व्यवहार का काम करते हैं, दुकान चलाते हैं, व्यापार करते हैं, पैसा लेते हैं देते हैं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं सब करो कोई बात नहीं, केवट भी यही करता है, धंधा करता है, यात्रियों को बिठाता है, उस पार ले जाता है, पैसा लेता है। लेकिन इस केवट की सबसे बड़ी विशेषता एक है कि यह नाव तो चलाता है लेकिन नाव गंगा जी में चलाता है। और गंगा जी क्या है? का राम भक्ति जहां सुरसरी धारा। इसी तरह हम दुकान व्यापार आदि सब करें लेकिन भक्ति की भाव धारा से जुड़कर करें, यही केवट प्रसंग का संकेत है। भगवान ने कहा अगर तुम्हारी नाव नारी बन गई तो पार करने वाली खुद पार हो जाएगी, जड़त्व से मुक्त हो जाएगी। केवट बोला सो तो ठीक है लेकिन नाव नारी बनेगी तो घर में बैठेगी, और इसका अर्थ कि मेरी बुद्धि अगर चैतन्य हो गई तो आत्मन्यो आत्मना तुष्टा के भाव से घर में बैठेगी तो भक्ति की गंगा जी तो छूट जाएंगी। प्रभु मैं ऐसी मुक्ति नहीं चाहता जो भक्ति की गंगा जी से दूर कर दे, वह नहीं बंधन की जो अज्ञानता से बांध ले मन, और फिर सहसा कभी भी टूट सकता हो अकारण, मुक्ति छुपाए न जिसको मैं उसे बंधन कहूंगा, जो मरण को जन्म समझे मैं उसे जीवन कहूंगा। महाराज मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, और आपके चरणों की रज मुक्त कर देने वाली है, तो इस मुक्त कर देने वाली धूल को ही धो डालूंगा। काहे से धोगे? गंगा जल से। और कितना बढ़िया संकेत है कि इस मुक्त करने वाली रज अर्थात रजोगुण जन्य कामना को भक्ति के भाव जल से धो डालूंगा, मुक्ति नहीं चाहिए, सगुण उपासक मोक्ष न लें। भगवान ने कहा तो फिर धो लो चरण, क्या दिक्कत है? केवट बोला ऐसे नहीं धोऊंगा, कहोगे तब धोऊंगा। मोहि पद पदुम पखारण कहू, कहो। श्री राम जी ने कहा कि काहे को इतनी जिद कर रहे हो? अरे बहुत लोगों ने हमारे चरण हमसे बिना पूछे धो लिए, हमने मना थोड़े ही किया, तुम भी धोगे तो मना थोड़े ही करेंगे, पर कहलाते क्यों हो? और फिर हम को संकोच होता, हम कैसे कहेंगे हमारे चरण धो लो? अरे किसी श्रद्धे के प्रति किसी की श्रद्धा है तो चरण छू ले, पर ऐसा कौन श्रद्धे होगा जो अपने चरण फैला कह के चलो छुओ? ऐसा तो वही कह सकता है जिसका शर्म से कोई संबंध ना हो। अब भगवान कैसे कह देंगे हमारे चरण धो, और केवट कहता कहोगे तभी धोएंगे, तो भगवान ने बिना कहा बिना पूछे धो लो, बहुतों ने धो लिए। केवट ने कहा सुनो महाराज, जिन्होंने बिना पूछे आपके चरण धो लिए उनकी अपनी गरज रही होगी,
उन्हें भाव सागर से पार जाना होगा, इसलिए उन्होंने आपके चरण आपसे बिना पूछे धो लिए। लेकिन यहां गरज मेरी नहीं, यहां गरज आपकी है। मुझे पार नहीं जाना, पार आपको जाना है। इसलिए अगर पार जाना हो तो कहो कि हमारे चरण धोकर हमें पार कर दो। भगवान मुस्कुराए कि केवट सब कुछ पाए ले रहा है, पर इतना चतुर है एहसान रत्ती भर नहीं। आपकी आपकी गरज है, कहना हो कहो। लक्ष्मण जी बोले अगर चरण धुला लें तो। लक्ष्मण जी बोले सुन, पहली बात सुन, भगवान से भी बहस कर रहा है, कहीं भगवान नाराज हो गए तो वापिस चले जाएंगे। केवट बोला नहीं जाएंगे, कहा ही तुम्हारा मरम में जाना। श्री जानकी जी भी साथ आई हैं, और मरम शब्द का एक ही अर्थ है, रकार रामचंद्र हैं, मकार मातु जानकी। तो ये रकार रूपी राम जी मकार से घिरे हुए हैं, अर्थात श्री जानकी जी की कृपा के कारण आए हैं, और जानकी जी उपस्थित हैं तो श्री राम लौट नहीं सकते, वे तो कल्याण करके ही जाएंगे। अजय जा सो तो ठीक है, भगवान बोले अगर चरण धुला लें तो। केवट बोला चरण धुला लो तो कोई हम पर एहसान करोगे? औरों से उतराई लेता हूं, आपसे नहीं लूंगा। नहीं लोगे ना? पद कमल धोए चढ़ाई, नाव ननाथ उतराई चहो। केवट का बेटा खड़ा था, बोले पिताजी ठहरो ठहरो ठहरो, इन्हें नाव में बिठाना ही मत। क्यों? चरण धो लेंगे फिर क्या कठिनाई है, चरण छुलाने से तो शिला नारी बनी थी। केवट का बेटा बोला इनके हाथों से भी खतरा है, चरण इन्होंने शिला को छुलाए थे, हाथ इन्होंने धनुष को छुलाए थे, छुआ तो ही टूट पिना का पुराना। अगर चरण छुलाने से नाव के नारी बनने का डर है तो हाथ छुलाने से नाव धनुष की तरह टूट जाएगी, इनको किसी भी दशा में बिठा लो ही मत ना। लक्ष्मण जी ने सुना कि केवट है सो है बेटा और गजब, पर केवट बोला नहीं नहीं चरण धुला लेंगे बस। भगवान से केवट कहता है उतराई नहीं लूंगा। भगवान ने कहा उतराई क्यों नहीं लोगे? केवट बोला आपके पास देने को होगा क्या, वनवासी बने घूम रहे हो, तो जो बात आप बाद में कहोगे सो हम पहले ही कहे दे रहे हैं कि उतराई नहीं लेंगे। अच्छा नहीं लोगे उतराई, इसका प्रमाण क्या है, सबूत क्या है? केवट बोला मुहे राम रावरी आन दशरथ सपत सब सांची कहो। राम जी आपकी सौगंध, महाराज दशरथ की सौगंध, सही सही कह रहा हूं। श्री लक्ष्मण जी को लगा कि भगवान ने शीलवस जितनी ढील से दे दी है, अब ये कोई बोलने का ढंग है कि हमारी बात बिल्कुल सही है, आपकी कसम आपके बाप की कसम, बोलने में तो ऐसे ही लग रहा है। पर केवट ऐसे बोल नहीं रहा था, बोल नहीं रहा था, बोल नहीं पा रहा था। वो कह रहा था मैं आपकी सौगंध ऐसे कर रहा हूं जैसे दशरथ शपथ, भीष्म प्रतिज्ञा, बलिदान, इसी तरह ये शब्द है दशरथ शपथ, दशरथ शपथ की तरह मैं आपकी सौगंध कर रहा हूं। लेकिन बेचारा बोल नहीं पाया। लक्ष्मण जी को लगा कि अच्छा, धनुष पर बाण चढ़ाया, तैयार हो जा मरने के लिए। पर केवट उसी तरह बोला बाण को देख, हां चलाओ चलाओ बाण, मार दो मार दो, मेरा परम सौभाग्य है, मारो तो बाण। लक्ष्मण जी को लगा ये मौत से भी नहीं डरता, तो इसको डराने का उपाय क्या है? तेरा परम सौभाग्य कैसे? केवट बोला अभी थोड़ा ही पता लगेगा, मर जाऊंगा फिर जांच होगी, उस जांच में मैं बड़ा सौभाग्यशाली माना जाऊंगा। क्यों? मरूंगा हाथ से किसके, जो श्री रघुवीर का प्यारा है, राम जी के भक्त के हाथों मरूं, और मरूंगा किस जगह जहां निर्मल गंगा की धारा है, जहां गंगा जी बह रही हो, और मरूंगा सामने किसके, कि जिनका दास होता हूं, राम जी का भक्त हूं, राम जी के सामने मर रहा हूं, और मरूंगा किस खता पर पांव करुणा निधि के धोता हूं,
चरण धो रहा हूं। अगर इन पद पंकजों पर प्राण खो जाएगा केवट, तो मरकर भी जमाने में अमर हो जाएगा केवट। फिर क्यों ऐसा समय श्रीमान जाने दूं, न क्यों जाने की जीवन के सन्मुख जान जाने दूं। तैयार हूं, बाण मारो। सरकार को प्राण नते प्रिय बंधु, वही मुहे बाण ते मारत है। मरता हूं कहां सुच गंग के तीर, शरीर सो प्राण सिधारत है। समूहे कही के सुबिनीत सुनो, रघुनाथ सुनाथ निहारत है। अपराध यही इस दास का है, प्रभु के पद पद्म पखारत है। लोग यही कहेंगे कि राम जी ने लक्ष्मण जी से कह के उसको मरवा दिया, छोटे भाई से कह के मरवा दिया। राम जी की बदनामी होगी, और राम जी की बदनामी करानी हो तो चलाओ बाण, हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। प्राण तो किसी न किसी दिन जाएंगे, पर ऐसा मौका मिलेगा नहीं। लक्ष्मण जी को लगा कि राम जी की बदनामी कराने थोड़े ही आए हैं, अब क्या करें। तो बाण फिर तूणी में रख लिया, कहने लगे प्रभु इससे तो आप ही बात करो। पर केवट कह क्या रहा है, जब लगी न पाए पखारी। इतनी देर से केवट क्या कह रहा था, चरण कमल रज कहां सब कहां, चरण कमल मोहि पद पदुम पखारन कहो, पद कमल धोए चढ़ाए नाव। पद कमल, पद पद्म, चरण कमल। और जब लक्ष्मण जी ने बाण चढ़ाया तो वो भी आवेश में बोला, जब लग न पाए पखारी, भूल गया चरण कमल, पद पद्म, पद कमल, पाए। जो स्वाभाविक होता है वो ऐसे अवसर पर निकल पड़ता है। एक आदमी किसी गांव में गया, वो गांव वालों से पूछता, क्यों भैया ये गांव रामपुरा है? तो गांव के लोग, बुंदेलखंड की घटना, ये रामपुरा है? तो गांव वाले कहें हाओ। अब वो समझे नहीं कि हाओ है कि रामपुरा। फिर दूसरे से पूछा, भैया रामपुरा हाओ। तीसरे से पूछा, रामपुरा हाओ। अब सब कहें हाओ। एक आदमी पढ़ा लिखा दिखा, उसने कहा कि भाई साहब ये गांव रामपुरा है? उसने कहा जी हां। हां अब समझ में आया, यहां सब लोग हाओ हाओ करते थे, आपने जी हां कहा। तो वो बोला कि जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं वे हाओ हाओ करते हैं, और जो पढ़े लिखे हैं वे जी हां ऐसे बोलते हैं। अच्छा, तो आप तो पढ़े लिखे होंगे? तो बोला हाओ। अब जो स्वाभाविक था सो निकल गया। अब लक्ष्मण जी को भी बड़ा अटपटा लगे, श्री सीता जी को भी, पर राम जी मुस्कुरा रहे। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाए। भगवान हंसते हैं, बात भले ही अटपटी हो पर प्रेम में लिपटी हो तो परमात्मा को प्रसन्न कर देती है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक महात्मा गए, सत्संग हुआ। एक सत्संगी नित्य आते थे। एक दिन उन्होंने प्रार्थना की कि महाराज यहां से और ज्यादा इंटीरियर में, हमारा छोटा सा गांव है, मां आ नहीं सकती, उनको दर्शन देने चलो। महात्मा ने कहा ठीक चलते हैं। एक दिन गए, उस व्यक्ति ने मां से कहा कि मां महात्मा आए प्रणाम कर। तो बुढ़िया श्रद्धालु तो थी लेकिन अपने टूटी फूटी मारवाड़ी बोली में बोली, गुरुजी थारे खुर छूं। अब एक तो गुरुजी को गुरुजी कह रही थी और चरणों को खुर। महात्मा को बड़ा अटपटा लगा, अभी तो रोज चरण कमल सुनते थे, अब चरण भी कहती तो ठीक, पांव भी कहती तो ठीक, खुर, खुर तो पशुओं के होते हैं। तो महात्मा उसे प्रेम से समझाने लगे, माता जी ऐसे बोलती हो महात्माओं से, नरक जाओगी नरक। बुढ़िया इतनी सरल थी, वो ये भी नहीं जानती थी कि नरक क्या होता। उसने, उसको लगा कि महात्मा आशीर्वाद दे रहे हैं। सो हाथ जोड़ के कहने लगी, महाराज हमारा कहां भाग्य जो नरक जाए, नरक तो आप जैसे महापुरुषों को मिले है प्रभु। महात्मा खिलखिला के हंसने लगे।
अरे ऐसी सरलता पर महात्मा क्या परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान दोनों की ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। श्री राम जी का विवाह नहीं हुआ था, श्री लक्ष्मण जी युगल चरण धोकर चरणामृत लेते विवाह हुआ, तो बायां चरण श्री किशोरी जी, दायां चरण लक्ष्मण जी धोकर चरणामृत लेते थे। पर आज केवट न दायां की बात करा न बायां की, मोहि पद पदुम पखारण कहो, तो भगवान मुस्कुरा कर देखते हैं कि तुम दोनों का अधिकार जा रहा है। बेहसे करुणायन, और केवट की मांग की चौपाई एक ही, बहाने से भी बात नहीं बनी। एक के घर मेहमान आया, जाने का नाम ना ले, दोपहर का तो भोजन करा दिया, वो इतना कृपण कि शाम का भोजन न कराए, लेकिन मना कैसे करे। बेटे से बोला, मेहमान के पास जब बैठे हो तब आकर पूछना शाम के भोजन के लिए। बेटे ने कहा, पिताजी शाम को भोजन क्या बने? तो पिता मेहमान के बगल में बैठा था, पिता कहने लगे, शाम को फिर भोजन? अभी मेहमान के साथ तो हमने भोजन किया ही था, अब शाम को फिर भोजन करें? हम कोई राक्षस हैं? मेहमान से पूछ लो, मतलब मेहमान भोजन करे तो राक्षस। बेचारे मेहमान ने भी कह दिया कि नहीं नहीं ठीक है, हो गया। बहाने में लोग बड़े चतुर। एक महात्मा किसी वृद्धा माता के यहां भोजन को गए, मैया ने सब भोजन परोस दिया, पंखा लेके बैठ गई, थाली में पीछे पापड़ रखे थे, पापड़ परोसना भूल गई। अब महात्मा का मन पापड़ पे जाए बार बार। मन का ये स्वभाव है, जो करोड़ों की चीज मिली हो तो उसे दो कौड़ी की लगती है, दो कौड़ी की चीज ना मिले तो करोड़ों की लगती है, उधर ही देखे। लेकिन मांगने में शर्म भी लगे और बुढ़िया को याद ना आवे। सो महात्मा बोले, मैया भगवान की बड़ी कृपा, आज जो आपका दर्शन हो गया। क्यों? रास्ते में बड़ा लंबा सांप मिला। सांप? हाँ, लंबा था बहुत। कितना लंबा भरा है? यहां से वो पापड़ की थाली रखी। बुढ़िया बोले, अरे महाराज पापड़ परोसना तो मैं भूल ही गई। महात्मा बोले, हम तो बता रहे थे कि सांप कितना लंबा था। तो कई बार बहाने से भी बात बन जाती, युक्ति से बना लेना चाहिए, लेकिन कई बार बहाने से भी बात नहीं बनती। एक के घर मेहमान आए, जाए नहीं, और बेचारा घर वाला संकोची कुछ कहे नहीं। 5-7 दिन हो गए। एक दिन पति पत्नी से बोला कि देवी ये मेहमान तो जाता ही नहीं, कोई उपाय? पत्नी बोली, और खिलाओ पिलाओ और सम्मान करो, काहे को जाएगा वो? देखो देखो ये व्यंग मत करो, तो उपाय बताओ। पत्नी बोली, उपाय तो है, 3 मर्ज, उपाय 1, बुखार हो, जुखाम हो, मेहमान हो। ज्वर जुकाम और पाहुना, ज्वर जुकाम और पाहुना, इनका एक उपाय, लंगन दे दो तान के फिर न वापस आए। लंगन दे दो बुखार नहीं आएगा, लंगन दे दो जुकाम नहीं आएगा, लंगन दे दो मेहमान नहीं आएगा। हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन अब हम लोग भोजन बनाए उसे ना दें तो एक दिन ना बनाओ। तो नहीं बनाने का तो कोई कारण होगा, झगड़ा? हम लोगों में झगड़ा होते नहीं, झूठ ही झगड़ा कर लो। अब बाहर वाले कमरे में मेहमान बैठा, भीतर जोर जोर से इन्होंने झगड़ा करना शुरू किया। पति ने डांटना शुरू किया, और पत्नी ने, मुझे तो कहो तुम मुझे डांटते रहते हो, और आज और ये, आज भोजन ही नहीं बनाऊंगी मैं। पति बोला, बनाना ही मत, मैं कोई मर नहीं जाऊंगा एक दिन भूखे। अब जो झगड़ा शुरू हुआ, और मेहमान ने सुना कि आज इन्हीं को नहीं मिल रहा है, सो उसने अपना थैला उठाया गया। पत्नी ने देखा कि गया, पति ने देखा गया, सो पति बोला, आप काहे को रो रही हो? हमने कोई सच्चा डांटा था? हमने तो झूठा डांटा था। सो पत्नी मुस्कुराकर बोली, मैं कोई सचमुच रो रही हूं? मैं तो झूठे ही रो रही हूं। लेकिन आश्चर्य, तब तक मेहमान भीतर, हम कोई सच्चे गए थे? हम भी तो झूठे ही गए थे। कई बार प्रयास करने पर भी काम नहीं बनता। भगवान ने बड़ा प्रयास किया, पर केवट बोला, साफ साफ कहो, प्रभु धो लो। प्रेम पराधीन प्रभु की यह अभय वाणी सुनकर केवट गया,
कठौते में जल भर लाया। आहा, उस दृश्य को आप देखें, कठौता एक ओर रख दिया, बाई हथेली आगे बढ़ाई, श्री राघवेंद्र का दाया चरण रखा और कठौते से जल छोड़ दिया, लगा धोने। मन में तो यही भाव है कि वही चरण, जिन चरणन ते निकसी सुरसरी, बड़े भाव से चरण धो रहा लेकिन पता नहीं लगने दे रहा। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, अच्छा केवट बड़े भाव के कारण चरण धो रहे हो? केवट बोला, नहीं नहीं सरकार, हम तो नाव के कारण चरण धो रहे हैं, भाव के कारण नहीं। भगवान एक पांव से खड़े हैं, केवट बैठा, देवता भी आश्चर्य कर रहे हैं, कैसे ऐसे भक्त तो देखे जो भगवान के सामने एक पांव से खड़े रहे, पर ऐसा भक्त नहीं देखा जिसके सामने भगवान ही एक पांव से खड़े रहे। बड़ी देर हो गई, भगवान ने कहा केवट चरण धुल गए? केवट बोला, हां महाराज धुला तो, लेकिन तब तक भगवान ने चरण नीचे रख दिया। केवट बोला, गड़बड़ी कर दी, चरण गीला था, पोंछ तो लेने देते मेरी इस फटी दुपटी से, आपने पोंछने नहीं दिया, गीला चरण धरती में रखा, धूल लग गई, दोबारा धोना पड़ेगा। लक्ष्मण जी बोले, हो चुके पार, चरण तो गीला रह गई, इसमें धूल लगे इसे धुला, उसमें लगे तो उसे धुला, पर चरण ही धुलाते रहो, कभी दायां कभी बायां कभी। भगवान ने कहा, रुको रुको, केवट से पूछने दो, केवट हम कब तक ऐसे ही खड़े रहे? केवट बोला, सुनो सरकार, गौतम तीय तारण अधम उदाहरण है, प्रेम से पगों को पखारण मोह दीजिए, और धोए चरण को बिनु पहुंचे धरणी में, धरो लागी रज फेर भ्रम दुगुन ना कीजिए, दोबारा मेरे भ्रम को उत्पन्न न करें। और लेखन में जड़े कण केते देख देख धोऊं, भगवान बोले, हम एक पांव से कब तक खड़े रहे? आप एक पगते खड़े याते न खीजिए, जिन विचार जो एक ही पांव होता वे भी तो किसी का सहारा लेकर खड़े रहते हैं, वृक्ष का, डाली का, किसी आदमी का, लाठी का। भगवान बोले, यहां कोई सहारा हो तो बताओ। केवट बोला, है चाहो अवलंब तो विनीत जू, विलंब बिनु नाथ मेरे माथ पे सो हाथ धर लीजिए। भगवान कहते हैं कि देखो कैसी चतुराई है, लोग कहते हैं हमें सहारा मिल जाएगा अगर हमारे माथे पे हाथ रख दोगे, पर केवट कहता हमें नहीं, अगर आपको सहारा चाहिए तो हमारे माथे पे हाथ रखो। भगवान ने केवट के माथे पर हाथ रखा तो बरस सुमन सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही। चरण धुले, भगवान ने कहा, भैया चरण तो धुल गए, हाँ तो अब पार करो। केवट बोला, अभी नहीं, आपके लिए घाट का नियम थोड़े ही तोड़ दूंगा। नियम क्या है? जो पहले आते हैं उन्हें पहले पार करता हूं, बाद वालों को बाद। भगवान ने कहा, तो हम ही तो आए यहां पहले, और पहले से कौन है जो पार न होगा, हो हमें तो नहीं दिखाई दे रहा। केवट बोला, अगर आपको दिखाई पड़ ही गए होते तो पार ही ना हो गए होते। कौन है? हमारे पूर्वज। तो तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा? केवट हाथ जोड़कर बोला, जैसे महाराज भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार हुआ। महाराज भागीरथ के पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा जी का जन्म ब्रह्मा जी के कमंडल में हुआ, और आज मेरे पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा जी का जन्म मेरे कठौते में हुआ है। पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु पुण्य मुदित गए उले पार। पितरों को पहले पार किया। ये देखो प्रसंग कितना सुंदर संकेत करता है। श्रद्धा से एक शब्द बना है, श्राद्ध। हम लोग उनका भी श्राद्ध करते हैं जो हमारे पूर्वज अब शरीर में नहीं है, पर एक व्यक्ति मरा, उसके दो बेटे, मां बहुत कहेगा कुछ करो, बेटे कहते हम इस सब में विश्वास नहीं रखते, क्या फायदा, इससे क्या फायदा। मां ने एक दिन कहा कि पिता की अस्थियां गंगा जी में ही छोड़े आओ, 16 किलोमीटर दूर है, इससे क्या फायदा।
मां बोली कि तुम विश्वास नहीं करते पर जिनकी अस्थियां हैं वे विश्वास करते थे। छोटा बेटा बोला ठीक है हम चले जाएंगे। साइकिल से गया, थैले में पिता की अस्थियां लेकर 12 किलोमीटर दूर गया। एक नाला बह रहा था, कहां जा रहा, 4 किलोमीटर बाद गंगा जी मिल जाता है। बेटे ने सोचा नाला जा ही रहा, हमारे जाने क्या जरूरत, वहीं छोड़ दी पिता की अस्थियां, लौट आया। मां ने कहा क्यों, पहुंच गई होंगी। रात्रि को उस व्यक्ति ने स्वप्न दिया कि ऐसे मूर्ख बेटे को भेजा, हमारी अस्थियां नाले में डालकर आ गया। मां ने बेटे को बुलाकर डांटा, क्यों रे पिता की अस्थियां नाले में डाल आया। बेटा बोला तुमसे किसने कहा, तुम्हारे पिताजी आए थे रात को सपना देने, तो भी उसने अपनी गलती स्वीकार नहीं की। बोला पिताजी का तो जिंदगी भर दिमाग खराब रहा, मरने के बाद भी पागलपन गया नहीं है। मां ने डांट कर कहा क्या पागलपन है। बेटा बोला 12 किलोमीटर इधर लौटकर सपना देने तो आ सकते थे, 4 किलोमीटर उधर नहीं जा सकते थे, यह हाल है। आज रक्त के संबंधों का पहले जैसा अर्थ नहीं है, आज रक्त के संबंधों का पहले जैसा अर्थ नहीं है। तर्पण भी मिल ही जाएगा, ऐसी भी कोई शर्त नहीं है, लेकिन केवट का प्रसंग हमें सिखाता है, पितर पार करी प्रभु पुण्य मुदित गये लई पार। और भगवान के चरण कमलों को देखकर गंगा जी भी हर्षित हैं। इन्हें तज ब्रह्म कमंडल में अटकी रही भटकी शिव शीश वर्ष केते बिताए हैं, और जो चरण छूट गए थे केवट ने वही चरण फिर आ मिलाए हैं। केवट ने भगवान को नाव में बिठाया, अब कह रहा है गंगा जी की बालुका में पहले श्री सीता जी, फिर श्री राम जी, फिर निखात राज गुह, फिर श्री लक्ष्मण जी। केवट ने उतरकर दंडवत किया, चरण पकड़े। लक्ष्मण जी बोले वाह, उस तरफ तो अकड़ रहे थे, इधर तो चरण पकड़ रहे। केवट ने कहा वो तो घाट घाट का तरीका है, उधर पार नहीं किया था तो अकड़ कर रोक सकते थे, अब तो पार कर दिया तो चरण पकड़ कर ही रोक सकते हैं। पर भगवान को लगा कि इसे कुछ दिया नहीं। लक्ष्मण जी बोले क्या बात है प्रभु। राम जी बोले इसे कुछ दिया नहीं। अरे और क्या देंगे, कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हर को, वो चरणामृत स्वयं केवट के घर जाकर लुटाते हैं। ब्रह्मा जी को जो अवसर मिला, शंकर जी को और जनक जी ने जो अवसर पाया, ये केवट को भी वही मौका मिला, और क्या दोगे। भगवान बोले धीरे बोलो लक्ष्मण, ने उतराई की कौन कहे, चरण धुलाई भी देनी पड़ेगी, चरण भी तो हमने अपने मतलब से ही धुलाए थे, लेकिन दें क्या, कुछ है नहीं। कितना अद्भुत है यह प्रसंग। श्री जान के जी पिय ही की सी जान निहारी, मन मुद्री मन मुदित उतारी। मन मुद्रिका उतार कर प्रभु को दी, आप दे दो उतराई। राम जी सोच रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ है नहीं, केवट को दें क्या, पर श्री जानकी जी ने मन में सोचा और कहा कि प्रभु, मन ही मन कहा कि प्रभु आपके उस हाथ में नहीं, इस हाथ में तो है। श्री राम जी ने कहा कि तुम्हारा हाथ मेरा हाथ कब से हो गया। श्री जानकी जी ने कहा कि प्रभु, जब से मेरे पिता ने मेरा हाथ आपके हाथ में दे दिया, उस दिन से मेरा हाथ आपका हाथ हो गया। उतार कर अंगूठी, यह आदर्श दाम्पत्य प्रेम का अनुपम उदाहरण। आप कल्पना करो आज की परिस्थिति में अगर ऐसा होता, कोई घर छोड़कर वन में होता और साथ में पत्नी होती और उसे कुछ देना होता, तो बेचारे पति को ही कहना पड़ता कि ओ ऐसा है वो, पत्नी के हाँ बोलो क्या बात, बोलो बोलो क्या, ये अंगूठी। पत्नी क्या कहती, अपना तो सब बर्बाद कर ही बैठे, ऐसा स्वभाव, अब यही और बच्चे तो ले आग लगा दे, चाहे जो कुछ करो ले ले, ले, ले यही होता। पर श्री जानकी जी कहती हैं नहीं, या कोई दूसरी
भावना वाली देवी होती तो वो कहती अरे ये क्या देंगे, लो हम देंगे केवट ले हो। पर श्री जानकी जी यह नहीं करती, राम जी को देती, प्रभु आप दे दो। भगवान ने कहा केवट उतराई ले लो, कहे कृपालु ले हो उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। महाराज नहीं चाहिए। भगवान ने कहा क्यों नहीं चाहिए, क्या तुम्हारे मन में इच्छा नहीं थी? इच्छा थी तब मिल नहीं रहा था, और अब मिल रहा है तो इच्छा नहीं। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, और छोड़ दी हमने तलब तो बेकरार आने को है। अच्छा तो तुम्हारे मन में इच्छा क्यों नहीं रही? केवट बोला मैं आपसे मांगने के लिए तैयार खड़ा था, कहां तक औरों के सामने हाथ फैलाता रहूंगा, राम जी से मांगूंगा तो फिर और किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, मैं आपसे मांगने के लिए तैयार खड़ा था। भगवान ने कहा फिर हम बिना मांगे अंगूठी दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हो? केवट बोला मेरा विचार बदल गया। कहा क्यों? आपने आती नाव मांगी, मांगी नाव। केवट बोला ये सुनते ही मेरा विचार बदल गया कि जो मुझसे ही मांग रहा हो अब मैं उससे क्या मांगूं, वह तो बहुत बड़ा है जिससे आप कुछ मांगते हो, लेकिन दीन बंधु वह कितना बड़ा है? वह तो बहुत बड़ा है जिसे आप कुछ देते हो, पर वो कितना बड़ा जिससे आप भी कुछ मांगते हो। मांग कर बड़ा बना दिया है, दे दोगे तो छोटा बन जाऊंगा, बड़ा ही रहने दो। नहीं, भगवान ने कहा ये देने लेने की बात क्या, मजदूरी दे रहे हैं हम तो। केवट ने कहा मजदूरी हम उनसे लेते हैं जिन्हें हम पार करते हैं, जिन्हें हम पार करते हैं उनसे मजदूरी लेते हैं। हमने आपको पार नहीं किया। श्री राम जी बोले पार नहीं किया तो हम पार आए कैसे? केवट बोला यही तो हम पूछ रहे हैं, कैसे आए? भगवान बोले नाव से आए। केवट बोला नैया से आए। हां ये नैया किसकी थी? केवट तुम्हारी? केवट बोला यही तो हम कह रहे हैं कि नैया तो हमारी ही पार लगी है, आप पार होने के लिए नहीं आए थे, हमारी नैया पार लगाने के लिए आए थे। आपने चरण रख दिया तो हमारी नैया पार लग गई, उतराई तो हमें देनी चाहिए, दे नहीं सकते तो ले कैसे लें, इसलिए प्रभु नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कर ले लो। केवट बोला कि प्रभु वैसे भी नहीं ले सकते, हमारी आपकी बिरादरी एक है, हम लोग सगे भाई हैं। भगवान ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा कि सुन ले। लक्ष्मण जी बोले अभी क्या और मोह लगाओ भाई, पता नहीं क्या क्या बनेगा वो अभी। भगवान ने कहा लक्ष्मण अभी पूछते हैं। केवट से कहा कैसे भाई? केवट ने कहा कि मैं गंगा तट का मांझी हूं, तुम भव सागर के केवट हो, मैं इस भव सरिता के तीर में हूं, मैं इस सुरसरी के तीर में हूं, तुम उस भव सरिता के तट हो, आपका भी काम पार करना मेरा काम भी पार करना, तो मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। भगवान बोले तो हम किसी का कर्ज नहीं रखते। केवट बोला हमारा रख लो, क्यों चुकाने दोबारा तो आ जाओगे? भगवान बोले हम ना आए तो? केवट बोला हम वसूल करने आ जाएंगे। कहां वसूल करने आओगे? केवट ने कहा अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वहीं चुका देना, मैंने तुमको है पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। मैंने पार किया उतराई नहीं ली। प्रभु आप भी पार कर देना, मेरे पास उतराई देने के लिए क्या होगा? भगवान का सो तो होगा ही, लेकिन ले लो। केवट बोला आज मुझे क्या नहीं मिल गया नाथ, आज मैं कहा ना पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। दोष मिट गया, मेरे पितरों का उद्धार हो गया तो पितृ दोष मिट गया, आप मेरी अटपटी बात सुनकर मुस्कुराने लगे तो मेरा दुख मिट गया, और आपने मुझसे नाव मांगी तो मेरी दरिद्रता मिट गई। सचमुच
ये निराले भक्त होते हैं जो कुछ नहीं मानते। श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा है, इश्क एक तरफा में यूं मशरूर हो जाऊंगा मैं, श्याम तुम होगे शमा काफूर हो जाऊंगा मैं। और मैं अगर मांगू जो तुमसे, मुझको तुम देना ना कुछ, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। मैं अगर देखूं तो देखूं, मैं अगर चाहूं तो चाहूं, तुम ना मुझको चाहना, तुमने अगर चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं। मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम ना मुझको देखना, तुमने अगर देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं। और मैं अगर तड़पूं तो दृग से बिंदु टपकाना ना तुम, वरना आंखों से तुम्हारे दूर हो जाऊंगा मैं। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा, मैं कहता हूं, लक्ष्मण जी बोले केवट ले ले, ले ले उतराई। केवट बोला सरकार में वचन दे चुका था, ना नाथ उतराई चहो। लक्ष्मण जी बोले भगवान को भी वचन का प्रवचन दिए जा रहा है, ले ले उतराई, ले 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 ले। केवट ने हाथ जोड़कर कहा, छोटे सरकार, हमारा वचन आपके बाण की तरह नहीं है जो धनुष पर चढ़ तो जाता है और फिर उतर जाता है। लक्ष्मण जी बोले ये वचन कौन सा बाण से कम है, प्रभु आप ही बात करो इससे। श्री जानकी जी ने कहा कि प्रभु हमारी ओर से कहते, बहुत कीन प्रभु लखन सी है। श्री जानकी जी की ओर से राम जी ने कहा कि केवट उतराई ले लो। श्री किशोरी जी की अंगूठी है उनकी ओर से। अब तो हंसते रहने वाला, हंसाते रहने वाला केवट भावुक हो गया, नेत्र भर आए, हाथ जोड़कर बोला, प्रभु मैंने आपको पार बाद में किया है, पहले आपके चरण धोए हैं, और मुझसे पहले भी आपके चरण किसी ने धोए थे, महाराज जनक ने, और महाराज जनक ने आपके चरण धोकर अपनी बेटी जानकी आपको अर्पित कर दी। मैं कैसा चरण धोने वाला जो उसी बेटी की अंगूठी उतराई में ले लूं, मैं दे नहीं सकता तो ले कैसे लूं। केवट के आंसू भर आए और श्री जानकी जी को गंगा जी किनारे भी अपनी मिथिला याद आ गई। भगवान ने कहा केवट तुम कुछ नहीं लेते तो मुझे दे दो, प्रभु आपको क्या दूं, मुझे आज्ञा दो तो मैं जाऊं आगे। केवट ने कहा कि प्रभु इतने काम सब अटपटे उल्टे होते रहे, एक काम और, क्या, आप ही मुझे भेज दो, क्यों, ताकि मुझे ये लगे कि भगवान मेरे घाट पर है, कहीं नहीं गए हैं, मैं इसी भाव में डूबा रहूं। और फिरती बारनाथ जो देवा सो प्रसाद में सिर धरी लेवा, बहुत कीन प्रभु लखन सी है, नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणा यतन भगति विमल बल दे।